वीडियो द पैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पास है सोनी का, यहाँ पे देख सकते हैं 2UX10D। ये कुवैत का सेट है, ये भाई साहब ने कुवैत से लेके आए थे। ये अभी आया हमारे पास चेंबूर से बनने के लिए। ये मुंबई में कोई बना नहीं पा रहा था, ये नई मुंबई हमारे पास आया है चेंबूर से बनाने के लिए। अभी इसको हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि चालू होके बंद हो जा रहा है, और इसमें पहले तो नो साउंड था, अभी तो कस्टमर का कंप्लेन है चालू होके बंद हो रहा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे चालू भी हो गया, रिले कट कुट कर रहा है एंड ये उसके आगे जा नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे इसके आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है इसमें। तो इसको अभी ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये सर का रिपेयर कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था मुंबई में, सबने ना ही बोला ये रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसको खोलना एंड इसको रिपेयर करना बहुत भारी काम है। तो फटाफट इसको ओपन करके कर लेते हैं, ठीक है पॉज करते हैं। गाइस इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रॉपर मॉडल नंबर दिख रहा है ZUX10D एंड इसमें देख सकते हैं 2, 4, 5, 5.1 है ये, 5 स्पीकर लगते हैं। इसके स्पीकर भी 12-12 इंच के, 4 स्पीकर और एक सेंटर। देख सकते हैं इस सेट पे भी नंबर भी लिखा है, सर ने कहीं पे भी दिया था लेकिन रिपेयर नहीं कर पाए थे। अभी हम चेक करते हैं इसको, और ये सेट तो मैं पहली बार खोल रहा हूँ लाइफ में, पूरे सोनी का ये सेट पहली बार खोल रहा हूँ मैं। तो हमने इसको ओपन कर लिया है एंड इसका फ्रंट पैनल भी अभी हमको खोलना पड़ेगा, देखते हैं। सुबह इसको ओपन कर लिया हमने, अभी देख सकते हैं इसको ट्रांसफार्मर इसका कितना बड़ा है एंड ये सीडी का है, ये पावर सप्लाई, ये 12300 वाट का है, इतना हाई भी सिस्टम है ना ये। इसमें ये प्रॉब्लम तो फर्स्ट रीजन ये इसके वजह से होता है, यहाँ पे एक तो दो रजिस्टर लगे हैं एंड यहाँ पे दो स्टिकर लगे हैं, दो स्टिकर, इसमें से स्टिकर शॉर्ट रहेगा या तो ये दो रजिस्टर चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये। सो गाइस इसका तो पहले तो ये इसका प्रॉब्लम ये था ही नहीं, इसका प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिप, यहाँ से स्ट्रिप का प्रॉब्लम था एंड ये अभी देख सकते हैं स्ट्रिप का प्रॉब्लम था। चालू हो गया फैन भी एंड ये भी चालू हो गया, अभी इजेक्ट मोड करके ये आएगा और बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका ये मैंने निकाल दिया है। और जो मेन प्रॉब्लम है ये क्यों बंद हो रहा है, इजेक्ट स्टैंड बाय ऑटो क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका अंदर का जो रबड़ रहता है ना बेल्ट, ये इसका मैकेनिज्म है इसका, ये रिसेट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। जब तक ये रिसेट नहीं होगा तब तक ये पूरा सेट चालू नहीं होगा, तो हम ये रिसेट करके चालू करके देखते हैं। इसका ये बेल्ट है इसका, ये सब वीक हो गया है, एकदम टूट गया है, ये हम फटाफट रिप्लेस करके एंड चेंज चेक करते हैं, चालू करते हैं इसको फटाफट, देख लेते हैं क्या होता है। सो गाइस इसमें हमने पूरा इसका काम कर लिए, ये हो गया चालू, अभी देख सकते हैं एकदम प्रॉपर, अभी ये बंद भी नहीं हो रहा है। इसका रबड़ वगैरह सब जितना भी बेल्ट है पूरा नया डाल दिए एंड इसमें ब्लूटूथ भी हमने मारा है, तो ब्लूटूथ हमने लगाया 5.1 का एंड अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, कनेक्ट कर 3.0 BT आ गया, पेयर कनेक्टेड यहाँ पे ये लगा दिया,
ये बहुत जूना सेट है लेकिन इसका सारे की वर्किंग है। अभी यहाँ पे साउंड फील्ड भी है। वहाँ से साउंड कर वहाँ पे खड़े बज रहा है एंड इसका बेस देख सकते हैं गाइस, छोटा सा स्पीकर है और इसमें इतना तगड़ा बेस आ रहा है। एंड इसको सभी स्पीकर चालू हो गए हैं, सारे स्पीकर वर्किंग है, सारे पांचों के पांचों स्पीकर बज रहे हैं देख सकते हैं। सबसे अमेजिंग लाइट है इसमें, सोनी में सबसे पसंद आया मुझे इसका लाइट। ए म्यूजिक के साथ यहाँ पे भी ब्लिंक करते रहते हैं एंड इसका ये तो कमाल का है। अच्छा निकल जाएगी एंड यहाँ से साउंड, यहाँ पे भी साउंड फील्ड वगैरह है, सारे बटन यहाँ पे XR साउंड है, यहाँ पे भी है इसका ये साउंड फील्ड बटन है, प्रोलॉजिक एंड स्टीरियो FND करने के लिए सब है, PLH म्यूजिक एंड सबसे बेटर साउंड इस पे आता है लिंक पे एंड इसमें फ्लैंगर भी है। छोटा सा स्पीकर है लेकिन बेस इसका कमाल का है, इसके वजह से ये 12300 वाट का है और इसका छोटे से स्पीकर का बेस इतना हाई आ रहा है ना, स्पीकर भी फट जाए इतना हाई है। सो गाइस, जैसे नए नए वीडियो देखने के लिए अगर कोई भी चीज़ रहेगा आपके पास सोनी का, सोनी से रिलेटेड कोई सा भी चीज़ रहेगा सोनी का, अगर नहीं कहीं पे बन रहा है तो हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बना के दे सकता हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन में एड्रेस रहेगा एंड नंबर भी रहेगा, वहाँ से ले सकते हैं आप। एंड सोनी का कौन सा भी रहेगा, जूने से जूना नए से नया सेट हमारे यहाँ पर रिपेयर होके ही जाता है, बहुत कम चांस है यहाँ पर रिपेयर ना होके जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।